गाइस, वेलकम बैक टू होप हैप्पीनेस फिजार्ड. और आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है. इट्स रियली क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आज की जो वीडियो है उसमें मैं अपना मैरिज लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ. जो लोग मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैंने अभी जस्ट 28 अप्रैल को अपना फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज कम्प्लीट किया है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज रियली स्ट्रगलिंग होता है. बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम जाते हैं, अप्स एंड डाउन जाते हैं. आप समझने की कोशिश करते हो अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, अपने न्यू फैमिली को. तो बहुत सारे अप डाउन आते हैं लाइफ में बिकॉज जैसे हम टीवी में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, लाइफ वैसी बिल्कुल भी नहीं होती है. लाइफ उससे बहुत चेंज होती है एंड यू हैव टू एडजस्ट अ लॉट. एंड आपके सामने वाले, आपके पार्टनर को भी काफ़ी कुछ एडजस्ट करना होता है टू बी इन अ रिलेशनशिप. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी बोथ एक्चुअली कम अप टू दिस स्टेज ऑफ लाइफ. एंड फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स हु आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू रिक्रिएट माई मैरिज लुक एंड आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड 1 year ऑफ माई मैरिज एंड होप यू आर लाइक इट. एंड बिफोर रिक्रिएटिंग माई मैरिज लुक मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहती हूँ. सो बेसिकली आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और वेन आई वॉज लाइक सर्चिंग फॉर अ गुड पार्लर टू गेट रेडी, उस टाइम पे मेरा एक लिमिटेड बजट था कि मुझे इसी लिमिटेड बजट में अपना पार्लर ढूंढना है. एंड आई वेंट टू डिफरेंट ब्रांड्स ऑल्सो. ब्रांड्स आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई पैसे बताते हैं. तो मैंने ब्रांड्स के पास गई, तो वहाँ पे क्या था कि सिर्फ मैरिज वाले दिन के लिए आपका जो मेकअप था दे वर चार्जिंग अराउंड 25,000 rupees. सो मेरा बजट उतना नहीं था. सो आई डिसाइडेड कि मैं अपना मेकअप अपने लोकल पार्लर में ही कराऊंगी. ऑल्दो दैट वॉज अ रिस्क, बट मैंने ये रिस्क लेना इसलिए चाह जस्ट बिकॉज कि मेरी शादी से 2 साल पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड की मैरिज हुई थी एंड उसने अपना शादी का मेकअप उन्हीं भाभी से कराया था एंड शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस. तो बिकॉज मेरा बहुत लिमिटेड बजट था तो मैं उनके पास गई. आई टोल्ड हर माई बजट. मैंने कहा कि मुझे मेरा ये बजट है और मुझे साथ के साथ ये भी चाहिए कि आप मेरे फेस पे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करो. सो शी अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम. तो जो उन्होंने मुझे लाइक जो प्री वेडिंग का मेरा जितना भी फेशियल एंड ऑल था, फेशियल मैनिक्योर पेडिक्योर एवरीथिंग, शी एक्चुअली यूज़ वेरी गुड ब्रांड. लाइक उसने VLCC का फेशियल मेरे फेस पे किया, O3+ के प्रोडक्ट्स यूज़ करें. एंड मैरिज के टाइम पे उसने मुझे पहले ही बोला था कि मैं ओरिफ्लेम या एवॉन के प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तुम्हारे फेस पे एंड आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट दैट. सेकेंडली आजकल हम देख रहे हैं कि एयर ब्रश का बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेंड चल रहा है एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस एट द टाइम ऑफ माई मैरिज कि मुझे एयर ब्रश मेकअप चाहिए. सो आई हैड दिस डिस्कशन विद माई पार्लर ओनर. तो मैंने उनसे बात करी कि मुझे एयर ब्रश का अगर मैं मेकअप लेती हूँ तो मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा. तो एज ऑब्वियस उसने मुझे काफ़ी हाई रेट्स बताए उसके, बट उसने मुझे साथ के साथ एक साइड इफेक्ट भी बताया. उसने बताया, मुझे बताया कि एक ब्राइड थी, शी केम टू हर पार्लर फॉर एयर ब्रश मेकअप, शी हैड एयर ब्रश मेकअप एंड वेंट टू द वेन्यू फॉर हर मैरिज. और उसके बाद somebody like gave her for something for two, then somebody gave her something to eat and उसके बाद शायद उसके फेस पे वो थोड़ा लग गया होगा. देन शी जस्ट लाइक डैब सम टिश्यू ऑन हर फेस. उसने जस्ट उसको हटाने के लिए उसे स्वाइप नहीं किया, उसे जस्ट डैब किया वो टिश्यू अपने फेस पे. एंड एज पर माई पार्लर लेडी उसका जो जहाँ पे उसने डैब किया था वहाँ से उसका फाउंडेशन पूरा हट गया एंड वहाँ पे क्या हुआ कि उसका एक पैच बन गया फेस. तो वो पूरा टाइम उसके लाइक पूरे फोटोशूट में उसके वो पैच आया है फेस पे. तो एज पर हर ये साइड इफेक्ट होता है आपके एयर ब्रश मेकअप का. तो मैंने कभी उसको अप्लाई नहीं किया, ना ही मैंने उसे करवाया. सो आई डोंट नो कि सीरियसली क्या इतना प्रॉब्लम होता है एयर ब्रश मेकअप से. सो फॉर दैट आई वॉन्ट योर एडवाइस कि जिसने भी अगर आप में से एयर ब्रश मेकअप करवाया है या फिर आपको एक्सपीरियंस है एयर ब्रश मेकअप का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि क्या रियली में एयर ब्रश मेकअप करवाना इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आप अपना ज़रा सा भी आपका टिश्यू लग जाए क्या तो आपके पैच पड़ जाता है.
So I just want you to give me advice just for my knowledge and also जो भी लोग ये view कर रहे हैं ये video देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा so that अगर future में उनकी शादी होने वाली है या फिर वो plan कर रहे हैं airbrush makeup के लिए then definitely उनको एक idea मिल सके. So मैंने काफ़ी बोल लिया है और मैं have wasted a lot of your time. So without wasting any time, let's get started. So starting, let me tell you one thing. The product which I am going to use will be easily available in the market. तो आपको कोई issue नहीं होगा. अगर आप ये खुद भी apply करके देखना चाहते हैं तो आपको ये जितने भी product मैं use कर रही हूँ वो market में easily available होंगे. So first off, because हमें ये जो makeup है कम से कम 6 से 7 hours के लिए चाहिए. So that's why apply a good quality primer. For primer, you can use any good primer. I am using this my old Nivea Men Original Aftershave Balm because ये मेरे को सबसे ज़्यादा like reasonable लगता है price में और ये सबसे best काम करता है as compared to high end primer. So मैंने थोड़ा सा अपने hands में लिया. I am just applying all over my face. I'll massage it like a moisturizer. करूंगी मेरा फेवरेट Maybelline Fit Me मैट पोरलेस फाउंडेशन. माय शेड इज मीडियम बेज आई थिंक. सॉरी, माय शेड इज नेचुरल बफ 230. सो आई एम जस्ट टेकिंग सम हियर एंड ब्लेंडिंग इट विद माय ब्यूटी ब्लेंडर. देखिए लाइक फॉर मैरिज सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपका बेस जो आप बेस यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए बिकॉज यही बेस होता है जो कि आपकी स्किन को फ्लॉलेस दिखाता है. तो व्हेन यू आर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन और लाइक नॉट इवन दिस वन या कोई भी आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा मतलब उसे अच्छे से ब्लेंड करें. So as you can see मेरा बेस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है. नाउ अब मुझे अपना डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए एक गुड कंसीलर की ज़रूरत है एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग भारत एंड डोरिस फाउंडेशन ओनली एंड दिस आई विल यूज़ जस्ट टू कंसील माय डार्क सर्कल्स फर्स्ट ऑफ एंड सेकेंड एज अ प्राइमर ऑन माई आईलिड्स. ब्लेंड हो जाए इट्स टाइम टू डू आई मेकअप. आई मेकअप के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ मैं यूज़ करूँगी फेसेस का ग्लैम ऑन आई शेडो पैलेट. इसमें एक्चुअली जो चार शेड्स हैं ये मेरा आई थिंक शेड है फैसिनेट 02. मेरा पैलेट फैसिनेट 02 है ये. इसका बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें जितने भी शेड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइडल ओरिएंटेड है बिकॉज इसमें ऑरेंज पिंक और मजेंटा पर्पल इसमें सारे शेड्स हैं जो कि ब्राइड के लिए इम्पॉर्टेंट है. जो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है वो है मेरा मैक का मेकअप कलेक्शन पैलेट एंड इसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो आई एम थिंकिंग टू मिक्स एंड मैच बोथ ऑफ देम. सो जो ब्राइड का मेन फीचर जो उभर के आना चाहिए वो है उसकी आईज. सो दैट्स वाई हम अपनी आईज को रियली ब्राइट लुक देंगे. आई विल बी यूजिंग दिस ऑरेंज शेड first off and give it somehow a smoky eye look. So मैं ये वाला ऑरेंज कलर ले रही हूँ इसमें से. तो
placing this on the inner corner of my eye first. I will be taking either this shade from this palette, थोड़ा brownish में, और मैं outer corner of my eyes में ये brown color लगाऊंगी, and just first of all let me place it. So I'm just like I've applied this brown color and I'm just blending it like that. Brights में हमेशा golden color बहुत उभर के आता है, तो for golden color मेरे पास एक glitter है जो कि just एक drugstore glitter है, so I'm just applying on this part of my eyes so that मेरी eyes बहुत ज़्यादा उभर के हैं. Now it's time to blend all of that. अपनी आईज को मोर डिफाइन करने के लिए, बिकॉज ब्लैक कलर मैं यूज नहीं करना चाहती, तो आई एम यूजिंग दिस मून डस्ट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन लंडन स्मॉल पैलेट. ये बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी ब्लैक कलर है, सो मैं बहुत ही थोड़ा सा ही कलर लूँगी एंड बस एक स्लाइट सा हिंट दूंगी अपने आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज को दिस कलर. And just try to blend it properly. अब नाउ मैं सेम ब्रश से, जो छोटा वाला इसका ब्रश है, उससे जो मैंने ये वाला कलर लिया था अपने आउटर कॉर्नर्स ऑफ माय आईज में, ये मैं अपनी थोड़ा समय वाटर लाइन में अप्लाई करूंगी. Time to apply liner on my eyes. Liner के लिए मैं use करूँगी अपना favorite Maybelline gel eyeliner. Plus it's our marriage, so that's why हमें eye makeup really bold रखना है. तो इसलिए मैं जो eye makeup है, जो liner है, वो थोड़ा मोटा ही रखूँगी. It's really easy to create winged eyeliner through this liner. Or now, I will fill my waterline with the same liner. After applying kajal on your face, make sure कि आप दोबारा से concealer use करें अगर आपका आई शेडो या फिर काजल थोड़ा स्मज हो गया. So now it's time to apply a good mascara on my eyes. Usually parlors में लोग falsies use करते हैं, आप भी falsies use कर सकते हैं, but as I know falsies irritates me a lot, so इसलिए मैं एक अच्छा Maybelline का mascara use करूँगी. For that I'm using Maybelline the Colossal Volume Express Mascara. So now it's time to do my eyebrows. Eyebrows के लिए मैं use करूँगी अपनी favorite NYX eyebrow pencil dark brown shade में. It's time to contour my face. Contouring के लिए मैं use करूँगी मेरा favorite Lakme absolute moonlight highlighter. This darker shade. Contour करने का सबसे easiest तरीका होता है, you just need to pout.
For blush, I'm using this Oriflame Pearl thingy. This is amazing for like a party wear thing because इससे आपको natural look मिलता है yet बहुत ही ज़्यादा subtle look देता है आपको. I forgot to use this bronzer here because इससे क्या होता है कि अगर आपका फेस बहुत भारी है तो ये आपको एक अच्छी डेफिनेशन देता है आपके फेस को और ये नॉर्मल से थिन दिखाता है आपके फेस को. हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी मेरा फेवरेट कीको मिलानो हाइलाइटर. एक स्टिक काइंड ऑफ हाइलाइटर है एंड दिस इज इन द शेड 10100. 10 ग्राम की पैकेजिंग में आता है एंड ये आपके फेस पे बहुत टाइम तक स्टे करता है. हाइलाइटर लगाते वक्त सोचिएगा मत बिकॉज इट्स योर मैरिज. आपकी फोटो सबसे ज्यादा क्लिक होने वाली है तो आपको सबसे ज्यादा ग्लो ही दिखना है अपनी शादी में. So done with my highlighter as well. So now it's time to apply lipstick. एक lipstick के लिए मेरे पास तीन option है. First of all मेरे पास option है sugar cosmetic का what's a lip shade matte as hell crayon in Scarlett O'Hara. Then मेरे पास option है मेरा favorite matte का ruby. And third this is just XOXO product which is from the brand Miss Claire in the shade 26. This is really good shade. बिकॉज मेरा टोमेटो रेड शेड है लहंगे का सो आई विल गो विद स्कारलेट ओहारा. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शेड. अगर आपको अपने लिपस्टिक को ज़्यादा टाइम तक स्टे करवाना है तो बेस्ट क्या होगा कि आप सबसे पहले कॉम्पैक्ट या फाउंडेशन अपने लिप्स पे डैप करें फिंगर से एंड दिस फर्स्ट लेयर ऑफ लिपस्टिक लगाएं. उसके बाद टिश्यू पेपर रख के अपने फेस पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आप डैप करिए तो थोड़ा सा आपका पाउडरी फिनिश हो जाएगा. आफ्टर दैट जस्ट डू लाइक दिस एंड देन अपनी फाइनल लेयर ऑफ लिपस्टिक लगाइए एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर रियली लॉन्ग टाइम ऑन योर लिप्स. So as you can see this is really amazing tomato red shade and अभी मैं अपनी बिंदी अप्लाई करूँगी. फॉर बिंदी एक्चुअली मेरा पर्सनल सजेशन तो यही रहेगा कि बिंदी आप सिंपल से सिंपल लें बिकॉज आपके बाकी फीचर्स और भी ज़्यादा बोल्ड अपीयर होने चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा शाइनी या बहुत ज़्यादा स्टडेड बिंदी का यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है बिकॉज वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बिंदी नहीं दिखेगी फोटोग्राफ में. So that's why I will suggest you to use simple gold bindi, जो भी आपके फेस पे सूट करती है but make it as simple as that. So I'm using a simple red bindi. Now I will be doing my hairs. सो हेयर्स के लिए मेरी पार्लर वाली ने ये जो काइंड ऑफ स्पॉन्ज पहन रखे थी मैं हेयर्स में लगाया था टू गिव अ लिटिल पफिनेस टू माय हेयर. सो मैं ये पफ काइंड ऑफ थिंग यूज़ करूँगी अपने हेयर्स पे. तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रैंड लूँगी आगे के हेयर्स का. एंड just keep it here and secure it with a bobby pin.
After you're done with that, because normal parlors, normally parlor वाली जो bun बनाती है, up to बनाती है, वो काफी ऊंचा बनाती है, so that आपका जो दुपट्टा है, वो टिका रहे. So although I'm not going to show you how to make it, because even I don't know how to make it that kind of up to. But just मैं आपको look दिखा रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा ऊंचा tie up कर रही हूँ. If you want, आप थोड़े strands दे सकते हैं यहाँ पे. Now it's time to wear some jewelry. I am wearing my shadi jewelry. By the way, if you're wondering कि मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने सदर बाजार से लिया है. For only rupees 2500. जो भी jewelry मैं पहनूंगी, वो पूरा का पूरा set 2500 rupees का है. So now giving final touch to this look, which is like my dupatta. So now I'm just going to drape my dupatta. Although this one is not the real dupatta which I wore during my marriage, but that is really heavy. So it's really heavy and I cannot wear that again. So please bear me for that. Again, although during marriage you always wear your dupatta like that, but today is not my marriage, so that's why I can go and experiment with that. Yeah, so it's done. So yeah guys, that's it for today's video. Hope you like it. और आपको मेरी marriage का recreating look पसंद आया होगा. And अगर नहीं पसंद आया है तो भी comment कीजिए, और पसंद आया है तो भी comment कीजिए, so that मैं अपने आप को improve कर सकूँ. And if you like my video, then don't forget to subscribe to my channel. Subscribe जरूर करना है आपने. And next to that, please hit that like button. And also share my video with your friends and family if you like it. For regular updates on my videos, please hit that bell icon on the right hand side in the description box. And also, जो products मैंने आज use करे हैं उनके links और उनकी details मैं description box में जरूर mention करूँगी. तो description box देखना मत भूलिएगा. और अच्छी और videos के लिए, और improved videos के लिए, please मेरे channel को subscribe करिए. Till then, bye.